की है। पूर्व शिक्षा मंत्री जायदा खान की बेटी प्रधान पद से निलंबित कर दी गई हैं। कामा पंचायत समिति की प्रधान शहनाज खान निलंबित की गई हैं। प्रधान पद पर रहते हुए उन पर अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोप लगे थे। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, इससे पूर्व पिछले महीने में पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान को भी निलंबित किया गया था। बड़ी जानकारी दीग कामा से मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राज्य मंत्री जायदा खान के दोनों बेटा बेटी प्रधान पद से निलंबित हो गए हैं और दोनों पर ही अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर में लगी है, करीब दो घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है। तीन नामों के पैनल पर चर्चा की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी में तीन नामों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा को सुनिए। तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक अकेला व्यक्ति किसी की हिम्मत है जो चुनाव लड़ सकता है? तो यानी सभी लड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ सभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। अंतिम सवाल रहेगा सर, एसआई भर्ती को लेकर लगातार तमाम दावे किए गए, पोल खोली गई, आपकी सरकार में वो भर्ती हुई थी, कहा जा रहा है कि पर्दाफाश होगा, बड़ी मछलियां भी गिरफ्त में आएंगी। तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार कुछ करे, अच्छी बात है। वो हमसे दो मांग करते थे कि आरपीएससी भंग करो और सीबीआई को जांच दो। इसके लिए उन्होंने तमाम प्रोटेस्ट किए थे। आज आरपीएससी भंग करना डबल इंजन की सरकार कर सकती है तो करे, वो अपनी बात पे अगर कायम है तो। अगर वो सीबीआई की जांच की डिमांड करते थे, आज उनको कौन रोक रहा है मांग जांच करने के लिए? उनको दोनों जगह सरकारें हैं, जो जांच करानी है, जो काम करना है, जो संवैधानिक संस्थाओं का जो स्वरूप बदलना है, वो सब काम उनको खुली छूटी है, वो करें। जनहित के काम करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, धन्यवाद देंगे। अगर वो अपना व्यक्तिगत एजेंडा चला करके किसी के खिलाफ कोई गलत काम करेंगे तो हम जनता के हितैषी बनकर के जनहित में हम लोग उनका विरोध करें। एक लड़के को राजस्थान में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, उसके सचिन को तमाम बातें, बाद में उसे 5 लाख का मुआवजा दिया गया, वो भी सड़क दुर्घटना के मामले। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जब सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जब गलती करके किसी की जान ले ली गई, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा देना, और हमारे खिलाफ किस प्रकार से, उदयपुर की घटना को ले लीजिए चाहे दूसरी घटना को ले लीजिए, सब में कहा कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब तभी तो हम कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल बदनाम करना, झूठ बोलना, झूठ को बार बार बोलना, जोर से बोलना, ये इनकी बीजेपी और आरएसएस की जो है वो एजेंडा है, जबकि इनको कुछ नहीं करना। आज उस बच्चे का परिवार खत्म हो गया, उसको 50 लाख रुपए नहीं, राजीव गांधी युवा मित्र एक की मौत हो गई, उसको 1 रुपए का मुआवजा नहीं, तो ये इनका दोहरा चरित्र सामने जनता के आ रहा है। 25 सीटों में पिछले 2 बार से देखा जाए तो एक भी सीट नहीं आई, क्या इस बार इस क्रम को? अब की बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगी और बहुत अच्छी संख्या में सीटें हम लोग लोकसभा में कांग्रेस से राजस्थान से जीत के जाएंगे। अंतिम सवाल है सर, चुरू से सिटिंग एमपी राहुल कस्बा का टिकट काटा गया, कल उन्होंने पहला सो एमपी होगा जिसने सवाल पूछा आला कमान से, वरना बीजेपी में नई रवायत शुरू हुई है कि आला कमान को टिकट कटने में धन्यवाद दे दे, क्या वो कांग्रेस के संपर्क में कहा जा रहा है इसीलिए सवाल पूछ पाए क्योंकि ठोस मजबूती में? आप उन एक की बात मत कीजिए, 4 एमपी ने टिकट अनाउंस के बाद में उनको मना कर दिया कि हम आपके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे, 4 ने। ये 5वां व्यक्ति है जिसने उनसे सवाल किए, और भी निकलेंगे। हालांकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो बात नहीं रही जिसके लिए इन्होंने वहां पर 25-0 कर दिया या सत्ता में आ गए। अब उनको सत्ता में वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनसे मोह भंग हो गया है और एक से एक बढ़ करके वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने किया क्यों। अगर राहुल गांधी आते हैं तो स्वागत करेंगे तो क्या वो